आज की वीडियो पूरी होने वाली है सिर्फ कैंपिंग के लिए। So, इंडिया पूरा ट्रैवलिंग विदाउट मनी ट्रैवलिंग। Enjoying it here in the mountains। यार थोड़ी थोड़ी लकड़ी मिल रही है ऐसे। और अब हम उनके लिए बना रहे हैं बर्गर पूरा। यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने सामान फैला रखा है अपना ही। This is very good burger यार। तो अभी थोड़ा गर्मी लेते हैं और फिर फायर डांस करते हैं। थोड़ा टाइम लगता है स्लीपिंग बैग में आदत डालने के लिए। एक दिन दो दिन आदत डलती है फिर छूट जाती है। यहाँ अपने बर्तन धुलने के लिए। हेलो नमस्ते और गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और नए वीडियो में। और आज शुरू होती है हमारी कैंपिंग जिसमें हमें अभी हम लोग कोशिश की थी हमने दीपक ताल तक जाने के लिए, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। बट अभी हम लोगों ने ये पे जिस्पा पे कैंप कर लिया क्योंकि आगे पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। तो आज की वीडियो पूरी होने वाली है सिर्फ कैंपिंग के लिए। अगर आपको बाइकिंग वीडियोज़ देखनी है तो यार आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट अगर आप सिर्फ कैंपिंग वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये आज आपके लिए ही होने वाला है। एक और भाई मिला है मेरे को जिसको अभी मैंने आपको दिखाया था। जैसे ही मैं यहाँ पे कल पहुँचा था तो मेरे को ये भाई मिले थे, तो इन्होंने भी अपना टेंट वगैरह लगा रखा है, ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। ए ब्रो व्हाट्सअप, सो वेयर यू फ्रॉम? केरला। केरला, सो यू आर ट्रैवलिंग सोलो? सोलो, ऑल इंडिया हिचहाइकिंग। हिचहाइकिंग, सेल्फ कुकिंग, एंजॉय। सो लुक एट हिज स्टफ, आर यू कैरिंग दैट ऑन योर बैक? टोटल 40 किलो वेट। 40 किलो? यस मैन, 40 किलो वेट यार। आई हैव डन इट लाइक 10-15-20 मैक्सिमम ऑन अ बाइक। ही इज डूइंग इट 40 केजीज ऑन हिज बैकपैक। दिस इज टू मच आई विल से लिटरली। -7 -7 या दैट इज एक्सपेक्टेड यार। रात में अगर आप कैंपिंग कर रहे हो ऐसे स्पॉट्स पे ना, -5 -7 इज ओके। आई विल से कि आप प्रिपेयर्ड रहने चाहिए उसके लिए, राइट? So you have like all the setup and everything? Yes. Ki sleeping bag? Sleeping bag, jacket. Nice. Mera so, India pura traveling without money traveling. Only without bag, money? Food ka money only. Oh nice man. Hindi thoda thoda bhai. Bhai ko thoda thoda Hindi aata hai, but it's okay. We are able to communicate. That's only thing that counts. So bhai ka pura matlab hai ki without money travel karna, inhone yahan tent pitch kiya hai. मैं भी यहीं पे लगाता हूँ, तो जल्दी से टेंट लगाते हैं यार और फिर दिखाते हैं आपको और नज़ारे। शाम के कुछ कुकिंग वगैरह करते हैं, सिनेमैटिक्स वगैरह बनाते हैं। आगे नीचे भी लोगों ने वहाँ रिवर साइड पे कैंप कर रखा है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कभी भी रिवर बेड पे कैंप करने के लिए। बिकॉज द प्रॉब्लम इज, अगर आप रिवर बेड पे कैंप करते हो ना, पहली बात तो आपको अपना टेंट पिच करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप अपना टेंट किसी भी चीज़ से स्टेबल नहीं कर सकते अदर देन पत्थर बड़े बड़े, और वो मैं एडवाइजेबल नहीं, मतलब रिकमेंड ही नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, आप जब सोने जाओगे ना, देखो ये तो मिट्टी है पूरी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आप ऐसे पत्थरों वाले इसमें कैंप कर रहे हो भाई, यू विल हैव अ बैड नाइट, वेरी बैड नाइट। सो लेट्स गो पिच आवर टेंट्स। रोड ये साइड में ही है, नीचे उतर के यहाँ पे लगाया है, तो जल्दी से टेंट पिच करते हैं और अपना शुरू करते हैं काम। यार तो फिर अपना टेंट वगैरह सब तो लगा लिया अब हमने। यहाँ भाई का लगा हुआ है, पीछे मेरा लगा हुआ है। भाई को मैंने बोला कि थोड़ा ना ये भी पीछे ही कर लें, क्यों? क्योंकि इन्होंने ना थोड़ा स्लांट पे लगा रखा है ऐसे, मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है इनका। तो मैंने इनको सजेस्ट किया, बट ही सेड ही वॉन्ट्स टू पिच इट देयर, देन इट्स ओके। मैंने थोड़ा ऐसा समतल एरिया में लगाया जिससे कि बॉडी एकदम स्ट्रेट रहे यार, थोड़ा नहीं तो ना सर पे से ज़्यादा, अगर आप ऐसे पीछे की तरफ ज़्यादा हो तो इधर खून आने लगता है, नीचे की तरफ है तो एकदम नीचे जाने लगता है। इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप टेढ़े मेढ़े ग्राउंड में करो, बट कर रहे हो तो फिर भाई सर की तरफ ना ही भेजो ब्लड, तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा मत भेजो। मतलब व्यू चेकआउट करो यार, बहुत सही व्यू आ रहा है यहाँ पे तो। और नीचे काफ़ी लोगों ने अपना मतलब फैमिली वैमिली आ रखी है नदी के किनारे, वहाँ पे सब लोग अपना वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, रील वगैरह। हम यहाँ अपना चिल कर रहे हैं, कुछ खाना वाना बनाते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं। यार कुछ भूख तो लगी थी मेरे को, लेकिन मैंने रास्ते में ही खा लिया, तो अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ बनाता हूँ अभी मैं। यार बाहर तो काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, तो मेरे को लग रहा है अंदर ही कुक करना पड़ेगा। ये मतलब हवा ऐसी है कि आप ना यहाँ
कुक नहीं कर सकते, मतलब इतना है कि बाहर रह सकते हो बट कुक नहीं कर सकते। ये पूरा बाहर का नज़ारा है अभी टेंट से, मतलब काफ़ी सही व्यू में ना मेरे को कैंप करने को मिला है लिटरली। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन है। इस जस्ट यहाँ पे आके ना थोड़े लोगों ने क्या करते हैं लोग पहाड़ों पे, वो आके लोगों ने इधर उधर फैला रखा है कचरा, तो हर जगह कांच की बॉटलें और ये सब हैं, तो थोड़ा देखने में ख़राब लग रहा है बट ठीक है, आई कैन डू इट। तो यार चाय बनाते हैं। तो ये है पूरा अपना, मतलब किट है ये पूरी अपनी, ये कप है, दिस इज़ आर, लेट मी एक हाथ से करना है ना, दिस इज़ आर स्टफ, स्टोव स्टफ मत समझ लेना कोई, और ये बर्तन धुलने के लिए, और ये अपना मेन है पतीला। सो पतीला निकालते हैं और बनाते हैं कॉफ़ी अपने लिए, डिकैथलॉन से लिया था मैंने, काफ़ी सही काम कर रहा है मेरे लिए तो यार, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। तो इसको जल्दी से सेटअप करते हैं, निकालते हैं चीज़ें इसमें से और फिर दिखाते हैं आपको, और पीते हैं बढ़िया सी एक कॉफ़ी गर्मा गर्म। This is the tea. Enjoying it here in the mountains. तो यार थोड़ा जा रहे थे लकड़ी लेने, तो देखो टेंट को कैसे सेफ रखने के लिए एक छोटा सा ना इस जिप के साथ लगा के यहाँ पैक पे एक ताला लगा दिया है कि कोई अगर आए तो उसको लग जाए कि हाँ भाई इधर खोलना नहीं चाहिए। अभी जा रहे हैं हम लोग भाई के साथ वुड कलेक्शन करने के लिए, देखते हैं क्या कितना वुड मिलता है, विल ट्राई कि थोड़ा बहुत वुड मिल जाए कि ऐसे यहाँ बॉनफायर वगैरह कर ले, क्योंकि रात में बहुत ठंड होती है यार, बर्फ़ है चारों तरफ तो ऑब्वियसली ठंड तो होगी, तो थोड़ा वुड वगैरह कलेक्ट करते हैं। आई डोंट नो कितना ईजी होगा ढूंढना यार, थोड़ी थोड़ी लकड़ी मिल रही है ऐसे, यही इसी से काम चलाना पड़ेगा, ऐसे कोई बड़ा लॉक तो मिल नहीं रहा, क्योंकि इस सीज़न में ना बड़े लॉक ढूंढना मुश्किल है, थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ ही ढूंढनी पड़ रही है हमको। तो कोशिश कर रहे हैं, वहाँ चित्रण भाई भी ढूंढ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ बिग लॉक, रन एंजॉय लाइफ टर्निंग कैंपिंग नाइट फायर, सीरियसली मैन इट्स अ बिग स्ट्रगल, तो लकड़ी वगैरह मिल गई है, मोस्टली तो चित्रन भाई ने कलेक्ट किया, ये भी चित्रन भाई ने ढूंढा, बट इट्स ग्रीन, बट लेट्स सी इफ इट बर्न्स और नॉट, अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो जलेगा, लक अच्छा नहीं हुआ तो नहीं जलेगा। सी ही ड्रॉप्ड वन सो आई एम पिकिंग इट अप, एवरी पीस इज इम्पॉर्टेंट, देखते हैं यार क्या होता है आज, ठंडी लगी तो गैस जला लेंगे ना, ऑल लोगों ने भी कर रखा है, हम लोग यहाँ करेंगे, देखते हैं 10-15 मिनट जल जाए बहुत है। आपका मिल्क पाउडर? या आई हैव,
एक और चाय भाई ने, चित्रन भाई ने माल्य बना के दी, और अब हम उनके लिए बना रहे हैं बर्गर पूरा। यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने सामान फैला रखा है अपना, ये पनीर काट लिया, ये बगल में बटर रखा हुआ है, और ये मैंने खीरे और टमाटर काट लिए। ये गैस चालू कर दिया, इधर अपना गोप्रो भी रिकॉर्ड कर रहा है, इधर बर्गर्स वगैरह सब मतलब फैला हुआ है, पूरा टेंट भरा हुआ है हमारा। अब पीछे भी देखोगे ना पूरा, लेट मी 2.5 सब भरा हुआ है। तो आप बनाते हैं यार मस्त से बर्गर्स और खाते हैं आज बर्गर बैठ के आराम से। तो यार ये बर्गर सिक रहा है अपना ये वाला, और ये हमने दूसरा बना दिया तैयार एकदम अपना मस्त, खीरा पनीर वगैरह सब लगा के। ये पनीर का पीस है, खीरा है, सब कुछ है, मतलब फुल मील। सो बर्गर्स खाते हैं आज, बटर लगाते हैं थोड़ा इस पे। तो यार इतने ऊपर बर्गर और ये माउंटेन, लेट्स एंजॉय इट। दिस इज वेरी गुड बर्गर यार, मतलब इतनी ऊंची पहाड़ पे भी आ गए, कैंप पे हमने बर्गर्स बनाए, बहुत बड़ी बात है। यही हमारा आज का डिनर भी होने वाला है, सूप वगैरह भी है हमारे पास, हम सूप वगैरह भी बनाएंगे, बट मेनली तो यही है ब्रेड एंड बटर। Very tasty. And then I have some chips on the side. Proper English. तो यार बर्गर तो खा लिया है, बहुत ही टेस्टी था यार बर्गर हमारा। थोड़ा अब शाम होने लगी है, ठंड भी लगने लगी है, तो थोड़ा लेयर्स वगैरह बढ़ा लेते हैं अपनी, इससे पहले ठंड ज़्यादा लगने लगे। बॉन फायर के लिए तो उधर लकड़ी इकट्ठा कर ही लिया हमने, ये भाई का टेंट है हमारे, भाई पूरा मतलब अपना जुगाड़ लेके। भाई का टेंट दिखाता हूँ, ये है भाई, सब कैरी कर रहे हैं, गोप्रो वोप्रो सब है भाई के पास। ही इज़ ट्रैवलिंग अलोन, और ये मतलब पैदल यात्रा कर रहे हैं, हिचहाइकिंग कर रहे हैं, जो इनको मिल जाए विदाउट मनी, कम से कम पैसों में। तो हमने भी भाई को बर्गर खिलाया अपना, कि भाई के पास थोड़ा राशन कम था, तो मैंने कहा यार भाई साथ में बैठो हमारे साथ, बर्गर वगैरह खाओ। अभी भाई पीछे हमारे वीडियोज़ बना रहे हैं ब्रो, ही इज लाइव ऑन इंस्टाग्राम। तो हम तो लाइव वाइव आते नहीं है इंस्टाग्राम पे, बट भाई है हमारा, भाई को फॉलो करो, आई विल पुट हिज चैनल लिंक डाउन। भाई को फॉलो करो यार, भाई के अच्छे सब्सक्राइबर्स बनाओ। बाइक वगैरह तो बढ़िया परफॉर्म कर रही है अभी, आज तो कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। और थोड़ा शाम होने लगी है, टाइम लैप्स वगैरह डालते हैं, थोड़ा अंधेरे का टाइम लैप्स बनाते हैं, कैसे पूरा सनसेट का। सनसेट तो ऐसे हो चुका है, और सनसेट यहाँ पे होता भी नहीं है। आई थिंक सो वी आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ईस्ट वगैरह में नहीं है हम, बट यार माउंटेन्स का व्यू ना रात में मस्त चमकने वाला है ये। बहुत ही सही ऑसम व्यू रहेगा यहाँ पे, और नीचे भागा रिवर तो बह रही है हमारी। यार तो अपना कैंप फायर वगैरह तो सब रेडी है, यहाँ पे हमें थोड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस मिल गए थे, उधर पे वो वर्कर्स काम कर रहे उन्होंने हमें दे दिया था। तो अभी थोड़ा गर्मी लेते हैं और फिर फायर डांस करते हैं और फिर निकलते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से यार। यार तो फिर अपना कैंप फायर वगैरह ख़त्म हो गया है, अभी कोशिश करते हैं कुछ खाना वाना बनाते हैं, सूप वगैरह पीते हैं। थोड़ी ठंडी है यहाँ पे, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ी सी ज़्यादा है। बट अभी थोड़ा अपना खाना वाना बनाते हैं, यहाँ पे हमने अपनी लाइट लगा रखी है, तो लाइट वाइट लगा के थोड़ा जल्दी से कुछ सिंपल सा बना लेते हैं। बर्गर ही खा लेंगे यार, पनीर खा लेंगे, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं करेंगे। अपने टमाटर प्याज कटे हुए हैं ही अपने पास, तो जल्दी से कुछ बनाते हैं खाने के लिए और फिर सो जाते हैं यार। चलो जी लेट्स कुक, यहाँ पे रख दिया अपना गैस स्टोव। ओके सर, बर्गर इज ऑलमोस्ट रेडी, बर्गर को भी ढांक के बना रहे हैं, बिकॉज वो चीज़ है ना, वो थोड़ी सी गल जाए तो अच्छा स्वाद आएगा। वो थोड़ा आई एम थिंकिंग कि धुएँ से थोड़ा हो जाएगा, वो गल जाएगा। बस आज यही खाएंगे और एक सूप खाएंगे,
सूप कहाँ गया हमारा? वेयर इज आवर सूप? सूप हमारा ये है, क्रूटॉन वाला सूप। आई लव दिस नॉर्थ टमाटो चटपटा विद क्रूटॉन्स। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये, बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है। चलो जी अब सूप बनाते हैं, आपको भी दिखाते हैं सूप बना के। चलो हो गया है हमारा बर्गर, तब तक बर्गर इंजॉय करते हैं। दिस इज हाउ द बर्गर लुक्स, फुल चीज पनीर सब डाल दिया हमने। चलो जी बनाते हैं अब सूप। जस्ट लाइक इन इवनिंग बर्गर बहुत ही अच्छा है, आई एम एंजॉयिंग इट। उतने ऊपर आके इतना बढ़िया बर्गर खाने को मिल जाए ना, बस एक चीज की कमी है सॉस, बट ऐसे तो सब अच्छा लग रहा है। इधर हमने पानी रख दिया अपना, इस पे आप बना लेंगे अपना वो सूप। सूप ये रहा। सो सूप इज ऑलमोस्ट रेडी, धुआं धुआं हो गया है सब, मजा आ रहा है सूप देख के। अब तो गर्मी मिलेगी। चलो जी इसको निकालते हैं एक बाउल में। गैस करते हैं बंद, इसको अच्छे से बंद करना बहुत जरूरी है। डालते हैं अब इसमें देते हैं यहाँ देख। ओके तो पूरा धोने का तैयारी हो गई है, और अपना हमने बैग वैग निकाल लिया, स्लीपिंग बैग। अब बस सोते हैं यार, थोड़ा घर पे एक दो कॉल वॉल कर लेते हैं, मम्मी डैडी से बात कर लेते हैं, फिर अपना सोने का प्लान करते हैं। यार बहुत नींद आ रही है अब तो, आज थकान भी हो गई है काफ़ी, बीच में सो रहा हूँ एकदम, बस अच्छी नींद आ जाए यार आज। मेरे को यूजुअली टेंट में ना नींद नहीं आती, मेरे को स्लीपिंग बैग में सोने की ना सच बताऊँ तो बिल्कुल आदत सी नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है स्लीपिंग बैग में आदत डालने के लिए, एक दिन दो दिन आदत डलती है फिर छूट जाती है, फिर डलती है फिर छूट जाती है, यही होता रहता है। बट लेट्स स्लीप, सी यू इन द मॉर्निंग, बाय बाय। अच्छी सुबह हुई, काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठ भी गया आज हम लोग। थोड़ा भी बहुत ज़्यादा ठंड है, -7 degrees है अभी यहाँ पे करंटली। मेरे पीछे अभी सनराइज हो रही है, काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल लोकेशन पे रात को कैंप किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा बॉनफायर भी हुआ रात को। अभी थोड़ा यार बर्तन धुलने जाना है, और हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाना है नीचे बर्तन धुलने के लिए, यहाँ पे उधर पे जाऊंगा मैं नीचे बर्तन धुलने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊं, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है, दो दो लेयर पहन रखी है लेकिन फिर भी लग रही है ठंडी। तो जाते हैं हिम्मत करके बर्तन धुलते हैं यार, क्योंकि अभी कुछ चाय वगैरह बनानी है तो बर्तन तो धुलने ही पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ही ज़्यादा। बट मॉर्निंग मस्त हो रही है। चलो जी बर्तन धुलने चलते हैं। रात को ऐसा भूख वगैरह तो नहीं लगा, अच्छा खासा पेट भर गया था मेरा तो, पनीर खा के, पनीर बर्गर और सब कुछ काफ़ी टेस्टी था। बस एक चीज़ है कि मेरी ना रात को 3 बजे आँख खुल गई थी कैंप में,
फिर उसके बाद सो गया था मैं, फिर खुल गई मेरी 5:30 बजे आँख। फिर वही खुलने आँख खुलने के बाद ही मैंने सारा वीडियो वगैरह शूट किया है। सुबह सुबह मेहनत करनी पड़ रही है। हम ले आए अपने बर्तन धुलने के लिए। बहुत ज्यादा ठंडी है यार यहाँ पे। मुझे तो अपने ग्लव्स भी उतारने का मन नहीं कर रहा। Do you want to see real struggle? अभी मैं आया हूँ यहाँ पे अपने बर्तन धुलने के लिए इस ठंडे से पानी में, और मेरे हाथों का कलर देखो। Oh man, very cold. जल्दी से ग्लव्स पहन दो। ओके, तो यार अच्छी सी सनराइज हो चुकी है अब हमारी, थोड़ा देखा नहीं जा रहा इस तरफ, बट खाना बनाते हैं अब अपने लिए कुछ। कोशिश करते हैं कि वही सेम चीज़ ही बनाएंगे ऑब्वियसली। पनीर पड़ा हुआ है अपने पास, बर्गर्स पड़े हुए हैं, खीरा पड़ा हुआ है, टमाटर पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है, तो बर्गर ही बना दें एक और खाते, और फिर अपना सामान वगैरह पैक करते हैं, क्योंकि अंदर ना यार काफ़ी सामान फैला हुआ है, आप देख रहे होगे देखो, ये काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है मेरा, इस तरफ भी बहुत फैला हुआ है। तो जल्दी से सब पैक वगैरह करके और खाना वाना बना के अपना आज के लिए निकलते हैं। दिन की शुरुआत करते हैं पहले एक अच्छी सी चाय बना के यार। तो मेरे पास तो चाय पत्ती नहीं है, बट चित्रन ब्रो जो कि टेंट में रह रहे हैं उनके पास है चाय पत्ती, तो उनकी चाय पत्ती यूज करते हैं और बढ़िया सी चाय बनाते हैं, दूध पाउडर वाली। ओके, तो थोड़ा सामान वगैरह पैक करते हैं अब। बड़ी जालिम है यारो दिल की लगी, कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, कटती नहीं राते हाँ उसके बिन। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप लोग? झारखंड। झारखंड से हो? हाँ। कितने टाइम से हो यहाँ पे? अभी 8-10 दिन हुआ है। 8-10 दिन हुआ है? हाँ। अभी कितना टाइम रहोगे यहाँ पे? अभी 6 महीना तक रहेंगे। 6 महीना रहोगे? हाँ। यहीं पे काम करते हो इस? हाँ, घर पे ग्रिप में। अच्छा, तो क्या आपका काम क्या होता है? हमारा काम रोड का है, ग्रिप वाले का काम। अच्छा, रोड ढालने का। हाँ, रोड ढालने। से बीआरओ के उसमें आते हो आप? हाँ। लोग बहुत सही, बहुत सही भैया लोग ही है यार जो यहाँ पे इतनी मस्त मस्त रोड्स बना रहे हैं। मैंने मेजरली देखा अपने झारखंड के भाई लोग ना यहाँ पे आसपास काफी मिलते रहते हैं। अभी रास्ते में भी आपको दिखाया था कल, काफी सारे झारखंड के भाई लोग मिले थे। तो भैया ने बहुत अच्छा गाना गाया, थैंक यू सो मच भैया। भैया बड़े ही सुरीले थे एकदम, मतलब सुरताल लगा के इन्होंने पहाड़ों में एकदम समा बांध दिया हमारा। तो अभी जल्दी से अपना यार टेंट वगैरह पैक करते हैं
और आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो अब हमारे होने वाली है मोटो व्लॉग वाली। तो बस यही था आज हमारा कैंपिंग का। अब नेक्स्ट कैंपिंग की वीडियो देखो, दूसरी या तीसरी आने वाली है बहुत ही जल्दी। और ये कैंपिंग की वीडियोस में यार मैंने काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में, जिससे कि मैं और वो सारी चीज़ें लोगों को शेयर कर सकूं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कैंपिंग से रिलेटेड कमेंट्स में बताओ, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। कटती नहीं रातें हाँ उसके बिन, कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन। कटती नहीं रातें हाँ उसके बिन, तड़पता रहता हूँ